डोमेस्टिक किए, ये पीएसएल तक कायम रहेगा या इसमें कुछ दोबारा से कोई गौर गौज होगा? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हालात ठीक चल रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी मजबूत शरह है वो जब से कोविड शुरू हुआ है पाकिस्तान में सबसे कम इस वक्त चल रही है। तो हमारी रोज़ाना हम देखते हैं, रोज़ सुबह उस पर नज़र रखते हैं, अगर कोई ऐसी खतरा नज़र आया तो दोबारा रिविजिट कर लेंगे। फिलहाल तो इंशाल्लाह अगले दो दिन मैचेस हैं, इसमें तो पूरे लोगों को आप लोग फैसला लेंगे क्या डिसीजन लेने चाहिए पीएसएल की या नहीं? नहीं, अभी हमने फ्लाइट्स जो है कोई भी कैंसिल नहीं की है। कुछ ममालिक ऐसे हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, कुछ यूरोप के कुछ ममालिक हैं जहाँ से डायरेक्ट एंट्री जो है हमने बंद की हुई, लेकिन फ्लाइट सारी खुली हुई। फाइनल डिसीजन कब होगा पीएसएल के हवाले से? ये जब भी पीसीबी हमारे पास लेकर आता है तो एनसीओसी के पास हम फैसला कर लेंगे। कोशिश हमारी यही होती है कि मौका मिले मुल्क के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, नौजवानों के लिए तफरी के मौके हो, तो पूरी कोशिश ये करेंगे कि सारी 100% अटेंडेंस के साथ इजाज़त दी। सर सीन से कोई नहीं आया लेकिन सर एक दफ़ा नहीं, मैं वहाँ बचपन ही थी, नेशनल स्टेडियम में गुजरी है और स्टूडेंट इंक्लोजर से शुरू करके किस तरीके से वो बैठते थे हम सीमेंट के ऊपर, यहीं पे एक टेस्ट मैच में 399 दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें से एक माजिद खान था वो देखा। माजिद खान की पहली सेंचुरी लंच से पहले टेस्ट की सेंचुरी हमने देखी। जावेद मियादा की पहली डबल सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने यहाँ पे देखी। जावेद मियादा का आखिरी मैच यहाँ पर जो था जहाँ उनके करियर उनका एंड हुआ वो भी यहाँ पर देखा। इमरान खान का इंडिया के खिलाफ स्पेल, बहुत बड़े बड़े मैच देखे हैं। स्टेडियम के लिए मुख्तलिफ 6-7 शहरों के लिए मनसूबा है, लेकिन कराची की खसूसी तौर पर अगर बात करें तो अभी अगली इंटरनेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप जो 2025 में इधर होने वाली है पाकिस्तान में, और ये जो स्टेडियम है हमारा नेशनल स्टेडियम, इसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है, इसको इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बेहतर किया। सर आगे पीएसएल की है, ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी वर्क भी आया हुआ है, क्या समझते हैं कि हम उनको मुतमिन कर सकेंगे ताकि हमारे टीम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे? देखिए अगर वो फैसले जो हैं वो खेल की बुनियाद के ऊपर, सेहत के मामला की बुनियाद पर, सिक्योरिटी की बुनियाद पर करेंगे तो वो बिल्कुल आएंगे। दुनिया में जैसे हालात होते हैं वैसे ही यहाँ पर हैं, उससे शायद बेहतर ही हों। अगर वो किसी और वजह से फैसले करेंगे तो ज़ाहिर है वो और बात। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इंतजाम बेहतर करने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट तो ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर ठीक तरीके से इंतजाम किया जाए और लोग ऑर्गेनाइज हैं तो जल्दी आ सकते हैं। मैं देख रहा था, मैं खुद भी उसी से गुजरा हूँ, तो मैं देख रहा था जिस तरीके से वो कर रहे थे उससे ज़रा बेहतर किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।